हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, ये मेरा तुलसी का प्लांट है। देखिए, सारी सर्दी इसके ऊपर से गई है, लेकिन ये अभी भी बुशी बना हुआ है। तो आज मैं बताऊंगी कि ये कैसे मैंने बचाया है प्लांट, क्या क्या केयर की इसकी मैंने सर्दियों में, क्योंकि कई फ्रेंड्स की मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि प्लांट हमारा तुलसी का ख़त्म हो जाता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जब ठंड पड़ती है 5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट क्या करेगा। तो इसकी कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है, तभी मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये इसका बचाव होता है तुलसी का। तो सबसे पहले तो अगर आपका पॉट ओपन में रखा हुआ है तो आप उसको अंदर रखें, कॉरिडोर में या बरामदे में, या फिर आपके अगर शेड डला हुआ है छत पे उसमें उसके अंदर रख सकते हैं, ताकि इसको 5-6 घंटे की धूप तो मिले डेली, लेकिन इसके ऊपर ओस की डायरेक्ट बूंदे ना पड़े या कोहरा ना पड़े, ठीक है। फिर अगर बाहर है भी आपका पॉट 15-12 इंच का है, आप रख नहीं सकते उसको अंदर बार बार उठा के, या क्यारी में लगा होता है प्लांट तो आप उसके ऊपर चुन्नी से उसको कवर कर दें, ताकि थोड़ी उसको गर्माइश मिले। और दूसरा ये है, जैसे ये मैं मंजरी निकाल रही हूँ, जब इसके ऊपर मंजरी आ जाती हैं, सीड पॉड आ जाते हैं, तो प्लांट ये समझता है कि उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुका है, तो वो अपनी सारी पावर सीड पॉड बनाने में लगा देता है, तो लीफ जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती। तो इसलिए इस जब भी मंजरी आपको लगे कि निकल रही हैं, आप उनको पिंच कर दें ऊपर से, इससे आपका प्लांट भी बुशी बनेगा और जो मंजरी है उसको आप पॉट में ही डाल दें मिट्टी में, तो वो डीकम्पोज हो जाएंगी जल्दी ही 1-1.5 महीने में। तो और तीसरा ये, जब आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो कोई भी प्लांट है वो ओवर वाटरिंग से जल्दी मरता है, जबकि लेस वाटरिंग से इतना नहीं मरता। तो जैसे हमारे फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में ये परंपरा है कि मोस्टली फैमिली में है नहा कर तुलसी को जल चढ़ाना है, सूर्य को पानी देना है, तो आप ऐसे करें, उनको हम मना भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसे करें, जो जल चढ़ाने वाला पात्र है वो बिल्कुल छोटा लेके आएं, ताकि सबका काम भी हो जाए और ओवर वाटरिंग से भी बच जाए प्लांट, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से क्या है, इसकी बस सोयल मॉइस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग से इसकी जड़ों को नुकसान पहुँच सकता है और प्लांट ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में तो गर्मियों में चल जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा वाटरिंग ख़राब करती है प्लांट को। सर्दियों में तो 5-6 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, और गर्मियों में आप डेली भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जब इसके फर्टिलाइज़र की बात आती है, फर्टिलाइज़र उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, गोबर खाद या मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र इनफ है इसके लिए। और कई फ्रेंड्स हैं मेरे, वो कहते हैं कि चाय की पत्ती भी हम डाल देते हैं, तो थोड़ी बहुत चाय की पत्ती डालने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चाय की पत्ती डालते वक्त ये ध्यान रखें कि उसका जो शुगर है उसमें वो बिल्कुल वॉश करके, और अदरक जैसे कई लोग डालते हैं, अदरक का टुकड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस लगने का डर रहता है। और उसको डायरेक्ट डालने की बजाय आप उसको सुखा सकते हैं, इकट्ठी करके धूप में रख सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच जो चाय की पत्ती है वो सब प्लांट्स में डाल सकते हैं, तो उससे कोई नुकसान की बात नहीं है। और सर्दियों में तो ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, तो कभी जैसे 2 महीने में या 3 महीने में ऐसे फिक्स कर लें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर दे, क्योंकि वो थोड़ा उसकी तासीर गर्म होती है, तो इससे प्लांट को थोड़ा गर्माइश मिलती है, नुकसान नहीं होगा। तो सिर्फ आप ये दे सकते हैं सर्दी में, और क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में इतना मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर इस तरह से आप अपनी तुलसी का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्टूबर नवंबर में आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर दें, ताकि आप को नेक्स्ट आने वाले सीजन में इसकी जो जैसे अब है, अब फुटाव शुरू हो रहा है पत्तियों में, तो आपका प्लांट बुशी बन जाएगा, सीधा सीधा ग्रोथ करने के बजाय झाड़ी नुमा बन जाएगा। तो ये तो कुछ टिप्स जो मेरे ख्याल में सबको थोड़े बहुत हेल्प करेंगे,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।